के लोग ऐसे भी हैं जिनकी हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हो, वो कर रहे हो बार बार इन चीजों को। तो गाइस यहां पे देख रहे हो पुलिस आ गई है, पिटअप पूरा पिटअप कर तो लिया था, पर यार हम आपको बिग बॉस के अंदर एक ना एक दिन देखना चाहते हैं जरूर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप, स्वागत है मोमेंटो के साथ। तो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिटरली कुछ ही सेकंड लगेगा यार। तो फास्ट अपडेट निकल के आ रही है आमिर मजीद की साइड से। सो रिसेंटली हनी सिंह का न्यू सॉन्ग कलस्टर का टीजर आउट हुआ जो अभी भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है। तो इसी के ऊपर आमिर मजीद ने रिएक्ट किया, और जब हनी सिंह को उनके हेल्थ के बारे में बादशाह ने पोक किए थे तो इसी के ऊपर आमिर मजीद ने क्या कहा है, आप सबसे पहले क्लिप देखो। का टीजर देखा भाई, किस किसने कलस्टर का टीजर देखा मुझे कमेंट करके बताना। नहीं बाजी का टीजर भाई, मैंने वो जब टीजर देखा ना, मेरे को ना मेरा बचपन फ्लैशबैक हुआ, ऐसे बचपन में चला गया एकदम से ना, देसी कलाकार एंड कलास्टार। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी भाई, मैनी कॉन्ग्रेट्स हनी पाची एंड वो लोगों का। सोचो जो पाची का मजाक उड़ा रहे थे अभी कुछ दिन पहले, बहुत बुरा लगता है ये चीजें देख के। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग ऐसे भी हैं कि आप किसी की बीमारी का, किसी की हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हो, वो कर रहे हो बार बार इन चीजों को। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है जानू स्टैंड की साइड से। तो रिसेंटली जानू स्टैंड का एक इंटरव्यू आउट हुआ जहां पर उनको पूछा गया कि हम आपको बिग बॉस में देखना चाहते हैं। तो इसी के ऊपर जानू स्टैंड ने क्या कहा है, आप सबसे पहले वो क्लिप देखो। बड़ा बनी बस मैं इतना बोलना चाहता हूं कि हम आपको बिग बॉस के अंदर एक ना एक दिन देखना चाहते हैं, जरूर जरूर जाएंगे भाई, सारे भाइयों का साथ रहेगा तो क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और मैं भी यही बोलूंगा कि जिस दिन अगर जानू भाई बिग बॉस में जाएंगे, फुल सपोर्ट करना इनको और इनको ही वोट देना जब भी ये जाएंगे। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है डार्क एक्सपेक्टर की साइड से। उन्होंने जो जम्मू के सभी मोटो ब्लॉगर के ऊपर रिएक्ट किया है कि आजकल के जितने भी नए मोटो ब्लॉगर से वो सारे लोग स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं, आप सबसे पहले क्लिप देखो। सारे लोगों को लगता है कि बाइक्स जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। पहले के टाइम पे बड़े सही सही क्रिएटर थे, आप मुंबई करने के लिए देख लो, ट्रैवल कंटेंट बनाते थे, जेएस पाजी को देख लो, वो भी ट्रैवल कंटेंट बनाते, बहुत अच्छे तरीके का ट्रैवल कंटेंट था। आजकल ये जो नए लोग आए ना, इन्होंने पूरे एल्गोरिदम चेंज कर दिए, जैसे किसी का नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने ईजी वे में वीडियोज को बनाना शुरू कर दिया जिससे उनकी रीच भी काफी ज्यादा बढ़ गई। क्लिक बेट टाइप, यू नो, लड़की वगैरह ले आए, क्रैशेज वगैरह दिखा दिए, ये सब। इसके लिए मैं ब्लेम इनको नहीं करता हूं जो नए क्रिएटर्स आए हैं, ये सारा ब्लेम जाता है ऑडियंस को, बिकॉज ऑडियंस आजकल अच्छे वीडियोज देखना प्रेफर नहीं करते। तो लास्ट अपडेट निकल के आ रही है आलियन ब्लॉग्स की साइड से। रिसेंटली आलियन ब्लॉग्स का एक मीटअप था, लेकिन उस मीटअप को जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर पुलिस वगैरह आ गए थे। आप सबसे पहले वो क्लिप देखो। तो गाइस यहां पे देख रहे हो पुलिस आ गई है, पिटअप पूरा पिटअप कर तो लिया था, पर यार पुलिस वालों की भी क्या गलती है, यहां पे डीएसपी क्वार्टर्स है, यहां पे शोर होगा तो वो तो बोलेंगे यार। सो ये आज मेरे पास इतना ही अपडेट था, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।